हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सनी भाटिया आपके मेरे यूट्यूब चैनल द सन सनी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर एक नए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज की वीडियो का टॉपिक है बादाम के दूध के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बादाम के दूध के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, बादाम का दूध आप घर में कैसे बना सकते हैं और बादाम का दूध हम कैसे और किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मार्केट में बादाम का दूध आपको 300 से 400 रुपए प्रति लीटर मिलता है और कंपनी वाले उस दूध की लाइफ को बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल्स उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको घर में सिखाऊँगा कि आप बाज़ार से भी आधी कीमत में बादाम का दूध घर में कैसे बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश और नेचुरल होगा और इसको बनाने में सिर्फ मुझे 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बादाम के दूध से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि घर में हम बादाम का दूध कैसे बना सकते हैं। घर में बने हुए बादाम मिल्क में बाज़ार में मिलने वाले नॉर्मल दूध से 80% लेस कैलरी होती है, जो कि आपके वेट लूज में काफ़ी हेल्प करता है। बिना चीनी वाले बादाम के दूध में शुगर की मात्रा काफ़ी कम होती है। एक कप बादाम के दूध में सिर्फ आपको 1 से 2 ग्राम ही कार्ब्स मिलते हैं। बादाम के दूध में काफ़ी मात्रा में विटामिन ई होता है, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट का 20 से 50% सिर्फ आपको एक ही कप में मिल जाता है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी स्ट्रेस को कम करता है और बीमारी होने के खतरे को भी कम करता है। बादाम का दूध आपके दिल के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट नहीं होता है। इसमें आपको काफ़ी मात्रा में हेल्थी फैट मिलता है, जो कि आपको हाई बीपी और दिल की बीमारियों से बचाता है। बादाम का दूध कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। आपके शरीर को एक दिन में जितना कैल्शियम चाहिए उसका 20 से 45% आपको सिर्फ एक कप बादाम के दूध में ही मिल जाता है। आइए देखते हैं कि बादाम का दूध कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम 20 बादाम को 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखेंगे। पानी में भिगोकर रखने के कारण बादाम का साइज नॉर्मल से डबल हो जाता है। बादाम मिल्क को बनाने के लिए मैंने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जिसमें 20 भीगे हुए बादाम, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर और 2 छोटी इलायची इस्तेमाल की है। मैंने इलायची का इस्तेमाल सिर्फ फ्लेवर देने के लिए ही किया है, इससे दूध का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। सबसे पहले हम एक जार में 20 भीगे हुए बादाम को डालेंगे और इसके साथ हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, जिसके कारण से बादाम आराम से बारीक हो जाए। बादाम का दूध बनाने में मैंने कौन से बादाम इस्तेमाल किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम बादाम को बारीक पीस कर उसका एक पेस्ट बना लेंगे। जब बादाम का पेस्ट बन जाए तब हम इसमें 1 चुटकी दालचीनी पाउडर और जो 2 छोटी इलायची हमने पीस कर रखी थी वो हम मिला देंगे, और साथ में इस पूरे प्रोसेस में मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हमारा बादाम मिल्क बनकर तैयार है। अब हम इस बादाम मिल्क को 1 गिलास में अलग से फिल्टर कर लेंगे। देखा आपने, घर पर बादाम मिल्क बनाना कितना आसान है। ये बादाम मिल्क फ्रेश, विदाउट केमिकल, और इसको सिर्फ बनाने में मुझे 2 से 3 मिनट ही लगे हैं, और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। आप बादाम मिल्क को अपनी डेली डाइट में आराम से ऐड कर सकते हैं। आप इसको ओट्स, टी, कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट, स्मूथीज, मफिन्स, पैनकेक्स, सूप्स, सॉसेस और आइसक्रीम बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने, बादाम का दूध बनाना कितना आसान है और इस बादाम के दूध से हमारे शरीर को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके कोई भी कमेंट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक धन्यवाद।